हेलो कंज्यूमर, स्वागत है आपका देसी कंज्यूमर में। आपको थोड़ा सा शोर सुनाई देगा इसमें, तो प्लीज़ उसके लिए रिक्वेस्ट है, थोड़ा कर लीजिएगा। तो आज मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा, आरबीआई ने एक ऐसी कंडीशन लाने वाला है कि आप अपने डेबिट कार्ड से एटीएम, मतलब एटीएम कार्ड से अगर एटीएम पर जाते हैं, कोई 10,000 से ऊपर की ट्रांजेक्शन करते हैं, तो आप बिना मोबाइल फ़ोन के नहीं कर पाएंगे। मतलब मोबाइल फ़ोन ले जाना आपका कंपलसरी कर दिया है, क्योंकि अगर आप 10,000 से ऊपर की ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको एटीएम के अंदर एक ओटीपी डालना पड़ेगा, जो आपके बैंक में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके ऊपर आएगा। तो कुछ ऐसा स्टार्ट करने वाले हैं, कुछ ही टाइम में आपको दिखने को मिलेगा। और यहाँ तक कि जो कैनरा बैंक है हमारा, उसने मैंडेटरी कर दिया, आप अगर 10,000 से ऊपर के ट्रांजैक्शन करते हैं एटीएम पे जाके, तो आपको ओटीपी डालना है। मतलब जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा वो डालना है, तभी आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो है ना कुछ कमाल की खबर। तो ये ऐसा इसलिए करा है क्योंकि ये जो फ्रॉड जो हैं बढ़ते जा रहे थे, तो इससे हमें फ्रॉड कम हो, मतलब फ्रॉड बहुत कम हो जाएगा। मतलब अगर किसी, कोई भी आपका एटीएम ले जाता है, उसको पिन भी पता है, अगर वो ट्रांजैक्शन करता है तो वो 10,000 से ऊपर की ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो ओटीपी है वो आपके पास होगा मोबाइल के अंदर। अगर उसको 10,000 से ऊपर की ट्रांजैक्शन करनी है तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि ओटीपी की ज़रूरत पड़ेगी उसे। तो मुझे तो बहुत मतलब अच्छी खबर लगी है। तो कमाल की खबरें मतलब आती हैं और कमाल की चीज़ें हो रही हैं। और बात करें जो हमारे, एक और बात बताता हूँ मैं इसके साथ, जो हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन तो हैं, रजनीश कुमार जी हैं। उन्होंने एक मतलब एक न्यूज़ चैनल को बताया है कि हम बहुत, मतलब हम कम करेंगे, मतलब एटीएम की ट्रांजैक्शन हम कम करना चाहते हैं धीरे धीरे। मतलब हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को, मतलब मोबाइल के थ्रू जो ट्रांजैक्शन हो उसको बढ़ावा देना चाहते हैं। तो कुछ ये खबरें आ रही हैं। और इसके साथ मैं आपको एक और खबर बताता हूँ। तो क्या हुआ है कि आरबीआई ने पहले क्या था, अगर हम एटीएम पर जाते हैं, कोई ट्रांजैक्शन कर देते हैं, अगर एटीएम के अंदर कैश नहीं है, मतलब करेंसी अवेलेबल नहीं है, या फिर पिन कोड कुछ गलत हो गया, तो हमारी वो फ्री ट्रांजैक्शन जो होती थी एटीएम पर वो काउंट हो जाती थी। जो हम मतलब जो फेल ट्रांजैक्शन होती थी ना, वो भी फ्री ट्रांजैक्शन में काउंट हो जाती थी। ये 1 महीने पहले इन्होंने सही कर दिया। जो अब हम ट्रांजैक्शन करेंगे, अगर अवेलेबल नहीं है करेंसी एटीएम में, या फिर आप पिन, या फिर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है उसमें आपकी ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है, तो वो अब फ्री ट्रांजैक्शन में काउंट नहीं होगी। तो मतलब कुछ इम्प्रूवमेंट्स हो रही हैं अच्छी अच्छी हमारी बैंकिंग सर्विस में। तो ये थी कुछ बैंकिंग सर्विस से रिलेटेड न्यूज़ हमारे देसी कंज्यूमर्स के लिए। तो आई होप आपको पसंद आई होंगी ये न्यूज़। मुझे तो भाई सबसे अच्छी न्यूज़ ये लगी, 10,000 से ऊपर कोई भी बंदा अब मेरे, मतलब कि चोरी नहीं हो सकती, फ्रॉड नहीं हो सकता। 10,000 से ऊपर उसको चाहिए तो मेरे पास ओटीपी आएगा। मतलब ये कंडीशन मुझे एकदम हाई ऑन लेवल लगी, मतलब फाड़ू फाड़ू कंडीशन लगी मुझे ये। तो आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक के लिए, ऐसी वीडियोस देखनी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसी वीडियोस, नॉलेज, कंज्यूमर से रिलेटेड नॉलेज, या फिर अनबॉक्सिंग, रिव्यूज़, कंपैरिजन, बहुत ही चीज़ों के लाते हैं अपनी वीडियो पे। तो दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टाटा।